नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, सर्दियों में हरा प्याज बहुत मार्केट में मिलता है, तो आइए इस सीजनल सब्जी को बनाते हैं हम हरे प्याज की तुरंत बनने वाली सब्जी। तो आइए बनाते हैं इसे। तो इस सब्जी के लिए देखिए, मैंने प्याज का जो वाइट होता है उसको अलग काटा है और हरे वाले को हमने अलग काट के रख लिया, दोनों पार्ट को। तो एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल गरम होने पर आप जीरा डालिए उसमें, और जीरा तड़कने के बाद इसमें वाइट वाला हिस्सा जो हमने काट के रखा है हरे प्याज का, उसे डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। तो बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है इसे, बस ये थोड़ा कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए 3-4 मिनट में। देखिए, इस तरह का कुक करना है हम इसे। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और मैंने यहाँ 2 टमाटर काट के रखे हैं वो डाल देंगे इसमें, और अब मैं थोड़ी सी इसमें कुटी मिर्च डालूंगी। आप चाहें तो और मसाले अपने टेस्ट से डाल सकते हैं, धनिया पाउडर वगैरह, पर इतना काफ़ी है इसमें। तो देखिए, कुक हो गया मसाला और टमाटर। तो इसमें हम अब ये हरा हिस्सा डाल देंगे प्याज का, जो पत्ते काट के रखे थे। तो इन्हें अच्छे से मिला लेंगे, और इसके बाद इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो अब इसे हम ढककर सिर्फ 3 से 4 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। ये जल्दी ही बन जाती है सब्जी। अब आपको प्याज सॉफ्ट खाना है या थोड़ा ज़्यादा कड़क सा ही रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे कुक करें। तो ये सब्जी बन गई है। देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा प्याज को गलाया नहीं है, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी लगती है। बाजरे की रोटी के साथ खाइए आप, मक्के की रोटी के साथ। तो आप इस सब्जी को बनाइए, सिर्फ 10 मिनट में बन जाती है। तो ये सब्जी बनकर रेडी है। तो देखिए, इस तरह से हरे प्याज की तुरंत बनने वाली सब्जी बनाइए। और सीजनल सब्जी है तो हरी सब्जी है, हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही। तो बनाइए इस सब्जी को आप। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।